तो दोस्तों कई बार आपको भी अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने को या फिर सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि दिक्कत क्या है तुम्हें, या फिर इस काम में क्या दिक्कत है, या फिर दिक्कत क्या है उसे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको इंग्लिश सिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज़ करना है सबसे पहले व्हाट्स रॉन्ग विद, और उसके बाद लगाना है आपको यू हिम अस, यानी कि जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं उसका नाम, उसका प्रोनाउन इसमें लगाना है। उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो आपको सबसे लास्ट में लिख देने हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि दिक्कत क्या है तुम्हें, तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट्स रॉन्ग विद यू। इस तरह से आप बना सकते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा ये व्हाट्स रॉन्ग विद यू, लेकिन अगर आपको इसकी हिंदी नहीं पता है तो आज आप जान जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस काम में क्या दिक्कत है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वर्क। इस तरह से आप बोल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, वहाँ जाने में क्या दिक्कत है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट्स रॉन्ग विद गोइंग देयर, यानी कि वहाँ जाने में क्या दिक्कत है। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ, दिक्कत क्या है यहाँ आने में, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।